two polygons with any number of sides are similar if their corresponding angles are equal and the ratio of their corresponding sides are equal. ये हमने डिस्कस किया था. लेकिन जब हम अब नेक्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं वहां पे एक और रिजल्ट लिखा हुआ है. मैं आपको पेज नंबर बताती हूँ अभी. वहां ये लिखा है कि अगर किसी दो ट्राइंगल के, मैंने वैसे दो ट्राइंगल ड्रॉ कर दिए, ये एंगल 40 है, ये 80 है आपके पास, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल भी आपके पास 40 और 80 है. अगर दो एंगल दो ट्राइंगल के सेम है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल कितना आ जाएगा इसका, तो ये भी 60 आएगा. ऑब्वियसली अगर दो एंगल इक्वल हैं तो थर्ड जो है वो भी इक्वल आएगा. ठीक है, हमने कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया जितने भी किए हैं, 5 होते हैं, उनमें ट्रिपल ए नहीं होता. ठीक है, अगर आपको याद हो, डबल ए या ट्रिपल ए नहीं होता, लेकिन सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में होता है. कैसे, देखो इधर दो एंगल्स आपके पास थे, थर्ड एंगल हमने निकाल लिया एंगल सम प्रॉपर्टी से, दो एंगल सेम थे, थर्ड अपने आप इक्वल आ गया. अब यहाँ पर दो दो एंगल इक्वल थे ऑलरेडी, सपोज हम ये नहीं भी फाइंड करते और अगर हम ये कहते हैं कि ये दोनों दो एंगल इक्वल हैं, मतलब ए सिमिलैरिटी से ये दो ट्रायंगल सिमिलर है. यहाँ पर वैसे हमने बात करी कि पॉलीगन में दो चीजें होना जरूरी है, साइड्स की रेशियो और एंगल, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एंगल है. तो साइड्स के बारे में क्या है, अगर आप साइड्स की लेंथ मेजर करते हो तो आप देखोगे कि उनकी रेशियो सेम आएगी. क्यों, क्योंकि एंगल सेम है, और जब एंगल सेम होंगे तो साइड की लेंथ ऑब्वियसली अपनी आप सेम आ जाएगी. तो जब आप इसकी मेजरमेंट करोगे, जैसे 2.1 आ गया, ये भी 2.1 आ जाएगा, इस तरह से सब साइड्स की जब आप फाइंड करोगे तो रेशियो 1:2 भी आ सकती है, 1:3 भी आ सकती है, 1:1 भी आ सकती है, डिपेंड अपॉन द मेजरमेंट. ठीक है, जो भी आएगी मैंने वैसे लिख दिया रफली. तो अगर आप एक्चुअल मेजरमेंट से इसकी लेंथ मेजर करते हो तो रेशियो विल बी सेम. तो इसका यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर एंगल सेम है, सिर्फ एंगल सेम है, तो भी ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं, रेशियो नहीं भी गिवन तब भी, क्योंकि रेशियो बाय एक्चुअल मेजरमेंट अपने आप सेम हो जाएगी. ठीक है, अब एक और चीज है, अगर कोई दो ट्रायंगल आपने लिए 2, 3, 4, यहां पे आपने, ठीक है, इस तरह से लिया, ये 4, 6 और 8, अगर आप इनकी, अब इसके एंगल नहीं दे रखे, सिर्फ साइड्स की लेंथ दे रखी है. ये सारे एग्जांपल बुक में गिवन है, वहां पे जो है मैं वो भी बता देती हूँ एक बार. इसकी साइड की रेशियो देखो, 2/4, 3/6, 4/8 सेम आ रही है. जब आप इनकी साइड्स की रेशियो सेम है, साइड सेम नहीं है, रेशियो सेम है, अगर रेशियो सेम है और आप एक्चुअल मेजरमेंट से इनके एंगल फाइंड करते हो तो वो भी सेम होंगे. ये सब चीजें बुक में लिखी हुई है, मैं आपको बताती हूँ पेज नंबर. तो कहने का मतलब ये है कि जहां पे हमने पहले डिस्कस किया था कि किसी भी दो चीजों की सिमिलैरिटी के लिए साइड्स की रेशियो और एंगल होना जरूरी है सेम, अब वो रिजल्ट जो है वो दोनों चीजें हैं या नहीं है, एक चीज जो है वो दूसरे को इम्प्लाई करती है. अगर एंगल इक्वल है तो साइड्स की रेशियो सेम होगी, साइड्स की रेशियो सेम है तो एंगल अपने आप इक्वल आ जाएगा. इसका मतलब ये रिजल्ट यहाँ पे मैं बताती हूँ, आप ये पैराग्राफ रीड करो, इसमें दिया हुआ है पेज नंबर 133 पे, देखो रिमार्क दे रखा है, रीड करो जरा, ये जो मैंने बोला है ना यही लिखा हुआ है इसमें, रीड करो जरा रिमार्क जहां लिखा है पेज नंबर 133 पे. यू मे रिकॉल दैट ईदर ऑफ द टू कंडीशन, यही टू कंडीशन की बात कर रहा है, यही दो कंडीशन, एंगल्स वाली और रेशियो वाली, कहता है ईदर ऑफ द टू कंडीशन corresponding angles are equal and the ratio of the corresponding sides are equal is not sufficient for the two polygons to be similar. However, on the basis of theorem 6.3 ये है, theorem 6.4 ये है, जो ये मैंने result बोले, कहते हैं इन दोनों theorem के basis पे हम ये बता सकते हैं कि दो triangle similar होंगे. It is not necessary to check both the condition because one condition implies the other. बात समझ आई? तो इसका मतलब अगर एंगल्स इक्वल हैं, ये मैंने जो लिखा है ना, ये रूल का नेम है, ये रूल का नेम है, डबल ए लिखो, दो एंगल सेम थे, तीसरा अपने आप इक्वल आ जाएगा, डबल ए लिखो या ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लिखो, एक ही बात है, अंडरस्टूड है, क्योंकि दो एंगल इक्वल है तो तीसरा अपने आप आएगा.
तो इस यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर एंगल सेम है तो साइड्स की रेशियो अपने आप सेम हो जाएगी, मतलब दोनों क्राइटेरिया दोनों रूल बन जाएंगे अपने आप। जहां रेशियो सेम है, रेशियो सेम का मतलब क्या है, एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, तो एंगल अपने आप सेम आ जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर ट्रिपल एस ऑलरेडी है तो ए ए अपने आप बन जाएगा, और अगर ए ए ऑलरेडी है तो साइड्स की रेशियो अपने आप सेम हो जाएगी। इसका मतलब एक रिजल्ट दूसरे को इंप्लाई करता है, मतलब उससे आ जाता है रिजल्ट। तो इसका मतलब दोनों कंडीशन जरूरी नहीं है दी हो, एक से दूसरा भी बन जाता है अपने आप। क्लियर है? तो ये पैराग्राफ मार्क कर लो, हो सकता है इसी में से कोई लाइन एज ए एमसीक्यू आ जाए। ठीक है, रीड कर लिया आपने एक बार, इसको मार्क कर लो। नहीं और भी है, अभी करवा रहे हैं। एग्जाम्पल के बीच में एक में दे रखा है, अलग से नहीं दे रखा कुछ भी, सब कुछ पैराग्राफ के बीच में है, साथ साथ रीड करके साथ साथ बता देते हैं, अलग से नहीं दे रखे क्राइटेरिया कोई भी, एग्जाम्पल के बीच में दे रखे हैं, करवाते हैं क्वेश्चन। ये क्लियर है? तो यहाँ पर जो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है, ये एक हो गया डबल ए या ट्रिपल ए, एक ही बात है, दूसरा हो गया ट्रिपल एस। ठीक है, ये दो क्राइटेरिया आपके हो गए। अब आगे और भी है जो विद इन एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सेपरेटली नहीं गिवन है कुछ भी, इसमें कुछ पूछना है आपने? ठीक है, तो अगर आप दोनों कंडीशन है तब भी ठीक है, एक है तब भी ठीक है, चलेगा। ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे साइड चेंज करके एग्जाम्पल 132 पे दिया हुआ है, देख सकते हो आप, एग्जाम्पल दिया हुआ देखो, पेज नंबर 132 पे साइड्स की रेशो चेक करो, सेम आ रही है। साइड्स की रेशो सेम है तो बाय एक्चुअल मेजरमेंट एंगल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। अच्छा, जो अभी आपने रिमार्क रीड किया ना, उसके नीचे एक पैराग्राफ और दे रखा है, वो भी देख लो एक बार, रीड कर लो वो भी। उसमें वो ये कह रहा है कि जो ट्रिपल एस है ना, वो कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया भी है और सिमिलैरिटी भी है, लेकिन जो डबल ए है वो सिर्फ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है, कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, और ये भी आपको बताया था, अगर कोई चीज कॉन्ग्रेंट होती है तो वो सिमिलर होगी, लेकिन अगर कोई चीज सिमिलर है तो वो जरूरी नहीं कॉन्ग्रेंट हो, तो इस पैराग्राफ में वही दिया हुआ है। ठीक है, ये जो रिजल्ट किया, ये 6.3 थ्योरम है, इसको टिक कर लो, ये रिजल्ट लर्न कर लेना एज इट इज। लर्न इसलिए करना है क्योंकि एमसीक्यू में कुछ भी आ सकता है। 6.4 भी टिक कर लो, वो 6.4 का रिजल्ट है। हाँ जी, फेयर नोटबुक पे लिखना है 6.3 और 6.4 थ्योरम नंबर, ये लिख देना। ठीक है, इसके आगे एक 6.5 थ्योरम दे रखी है, वो आपका कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया, देखो जरा। ये देखो 6.5 में, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ये एंगल है सपोज करो, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। मतलब कहता है ये जो एंगल है जिस साइड के बीच में फॉर्म हो रहा है, ये दोनों साइड, इस एंगल को जो साइड फॉर्म कर रही है, इनकी रेशियो सेम है। मैं ट्रायंगल को नेम दे देती हूँ एबीसी, यहाँ आ गया डीईएफ। इसमें आपको कहता है एबी साइड की रेशियो किसके साथ, डीई के साथ, एसी साइड की रेशियो डीएफ के साथ, और इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल का मतलब है इसका एंगल ए और इसका एंगल ए। ये कौन सा रिजल्ट बन गया, दो साइड हो गई तो ये ऐसे ऐसे, ये भी कॉमन है कॉन्ग्रेंसी में भी और सिमिलैरिटी में भी, ट्रिपल एस भी होता है ये वाला भी है, लेकिन डबल ए जो है वो सिर्फ इसमें लाई करता है सिमिलैरिटी में। ठीक है, तो ये आपका थर्ड रूल बन गया। क्लियर, ये यहाँ पे रीजन वगैरह कुछ भी, ये गिवन आएगा रेशो सेम है, ये गिवन आएगा, ये हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ये सिमिलर का साइन है, कॉन्ग्रेंसी का साइन ऐसे होता है ना, सिमिलैरिटी में सिर्फ ये आता है, ये सिमिलैरिटी का साइन है। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय एससीएस। एग्जांपल नंबर 4 देखो,
and S. PQ is parallel to RS. ये साइड इसके पैरलर है, गिवन है. जब भी पैरलर का कंसेप्ट होता है वहां से क्या आता है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और को इंटीरियर का सम 180 होता है. ठीक है, जो आप लेना चाहो ले सकते हो यहाँ पे. अब यहाँ पर ये देखो, ये साइड्स हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो आपने ऐसे एंगल देखने हैं जो ट्रायंगल के अंदर बनते हैं. तो ये कौन से टाइप के एंगल होंगे? ऑल्टरनेट एंगल. ऐसे ये एंगल, ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल. ठीक है, जो लेना हो आप ले सकते हो. अब आपसे ये पूछ रहा है ट्रायंगल POQ और SOR कॉन्ग्रेंट है, सॉरी सिमिलर है या नहीं. सिमिलर प्रूफ करने है. सिमिलर के लिए भी हमने 3 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया देखा है. एक है डबल ए, SAS, ट्रिपल. साइड्स तो है नहीं तो ये लग नहीं सकता. इसमें भी साइड्स हैं, ये भी नहीं लग सकता. बचा क्या? एक्चुअली एंगल ही आते हैं पैरेलल लाइन से. क्या आता है? एंगल्स. तो सिर्फ वही लग सकता है. साइड भी होती तो कोई भी लगा सकते थे, अभी नहीं लगा सकते. अभी यही रहता है सिर्फ आपके पास. अब देखो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. ठीक है, और थर्ड एंगल ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट. तो ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? अब पेपर में ट्रिपल ए भी लिखा हो सकता है, डबल ए भी लिखा हो सकता है, दोनों ही ट्रू है, आपकी मर्जी है. ठीक है, वैसे दो से हो रहा है तो तीसरे पे मत भी जाओ तो चलेगा, दो से भी हो जाता है. तो दोनों ही ट्रू है देखा जाए. कुछ पूछना है इसमें किसी ने? ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5. देखो, एग्जाम्पल नंबर 5 में दो फिगर्स गिवन है, 3.8. सारे ना जरा एक्टिव होके बैठो, सीधे बैठो, जरा कुछ लिखना नहीं, सिर्फ सुनना ही है बस. सीधे बैठो सारे. आप बिल्कुल नहीं सुन रहे अरियान. ये एक ही बार होगा चैप्टर, क्योंकि इसको बहुत टाइम लगने वाला है अभी. ठीक है, जल्दी जल्दी करवा दे, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि कुछ भी नहीं आना फिर आपको. ऐसे कुछ तो आएगा ना, तो आपको थोड़ा बहुत जो भी क्लियर होगा आप उससे कुछ तो रिजल्ट फाइन. कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ ढूंढना ही है रिजल्ट. तो थोड़ी क्लैरिटी होगी तो आपको आ जाएगा. कोई बात नहीं, 4 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे, लेकिन दोबारा नहीं हो पाएगा ये चैप्टर, इसलिए थोड़ा आराम से कर रही हूं. जल्दी करके कोई बेनिफिट भी नहीं मिलना, ना ही कुछ आना है आपको. सिर्फ सुनना है ध्यान से, ना कुछ लिखना है, सिर्फ सीधे बैठो सुनो ध्यान से. ये साइड दे रखी है, ये एंगल भी गिवन है. ऐसे यहाँ पे एक और ट्रायंगल गिवन है, 6√3, 7.6 और ये 12. अब देखो, इस फिगर में एंगल भी दो गिवन है और साइड्स भी गिवन है, लेकिन इसके एंगल गिवन है, इसके तो नहीं गिवन. लेकिन आप मेजरमेंट से फाइंड कर सकते हो. अभी आपको बताया मैंने, साइड सारी दे रखी है. अगर साइड्स की रेशो सेम है तो एंगल अपने आप सेम आ जाएंगे, तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर. और अगर साइड्स की रेशो ऑलरेडी सेम आ रही है तो आपको एंगल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ट्रिपल ऐसे रेशो सेम है तो ट्रिपल ऐसे ट्रायंगल अपने आप सिमिलर होगा. तो हम सिर्फ रेशो सेम कर लेते हैं. रूट वाले को रूट के साथ लेना है. अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, अब यहां पर ना नेम गिवन है और साइड देखो, ये 3√3 यहाँ है, ये 6√3 यहाँ है. देखा जाए तो ये रूट वाली यहाँ होनी चाहिए, नहीं है ना? इसका मतलब ट्रायंगल का नेम ध्यान से देखना है. तो ट्रायंगल के नेम सारे रिवर्स में होंगे, जो आपने ध्यान से मैच करना है कि कौन सा ट्रू है. ए बी सी, बस मेन यहाँ पे यही काम है आपका. अगर आपने दो को कंपेयर करके साइड का नेम ठीक फाइंड कर लिया तो आपको आ जाएगा. ये है, मैं नेम लिखती हूँ यहाँ पे. लिखने को तो इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन बेनिफिट नहीं होगा. आप साइड का नेम लिखो, एसी अपॉन आरपी लिख दे. पहले आरपी लिख देते हैं, देख लेते हैं. ठीक है, क्योंकि वर्टेक्स से स्टार्ट किया ना, तो इधर भी वर्टेक्स से स्टार्ट करो. ये भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि PR नहीं हो सकता. हो सकता है, वो पता, इसके दो स्टेप लिखने के बाद पता चलेगा, एक से नहीं पता चलता. ये 3.8 है, AB अपॉन RQ. चेक कर लो जरा, दोनों में इतने
ठीक है, इसका मतलब ए के कॉरेस्पॉन्डिंग आ रही है, कॉमन आ रहा है ना अपने आप। अगर कॉमन ना आ रहा होता तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, एक और अब लिखते हैं, फिर उससे कंफर्म हो जाएगा। अभी एक का कंफर्म हुआ है, वो भी नेक्स्ट लिखने के बाद पता चलेगा। एक और लिख लेते हैं, थर्ड क्या आएगा, बीसी अपॉन पी क्यू। अब इनमें ए कॉमन था तो ए के लिए आप आर कह रहे हो, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, क्यू कॉमन है। तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास है, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास है आर, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू, तो सी के कॉरेस्पॉन्डिंग पी। अब एक मिनट, चेक, ये लिख दिया, चेक भी करना पड़ेगा, ऐसे नहीं, चेक कर लो। यहां सी के लिए पी आ रहा है, ठीक है, यहां सी के लिए, यहां सी देखो, हाँ इसको ऐसे लिख दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ ये ठीक बन जाना चाहिए, क्योंकि आपने ये थोड़ी, आपने तो ये देख लिया, ये भी हो, ठीक है। बी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू, सी के कॉरेस्पॉन्डिंग पी, देख लो टैली हो रहा है। ए के कॉरेस्पॉन्डिंग आर, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग आर, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू, सी के कॉरेस्पॉन्डिंग पी, सी के कॉरेस्पॉन्डिंग पी। तो ये नेम ठीक है, मतलब ट्रायंगल एबीसी जो है वो सिमिलर है आर क्यू पी के। अब ये भी मिक्स करके दिए हो सकते हैं, जरूरी नहीं एबीसी दिया हो सकता है बीसीए दिया हो। अगर बीसीए दिया हो तो क्या होगा, अगर नेम बीसीए दिया हो, एक मिनट करो, ये आपका ध्यान का है, इधर तो नहीं है, क्या सोच रहे हो, अब स्कूल आ ही गए हो तो पढ़ लो, एक्स्ट्रा क्लास में भी नेम है ना आपका, नहीं है, फिर आ जाना आज से। हाँ जी, बी सी ए, तो बी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू बनता है क्यू पी आर, सी बी ए पी क्यू आर, सी ए बी, ऐसे देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऐसे दो लिख लेना, एक नेम आ जाएगा, फिर दूसरे दो से एक और नेम आ जाएगा, जो बच गया वो ठीक आ जाएगा, दो टैली हो गए तो तीसरा अपने आप बन जाएगा, लेकिन एक बार जरा चेक जरूर कर लेना। वही तो प्रूफ किया रेशो से, तो वो तो पता चल ही रही है, सेम है, 1:2 आ तो रही है, वो तो साफ दिख रहा है वो तो। अरे बस बस बस, उसके पीछे पड़ गए सारे। आजा इधर, क्लियर है, रेशो सेम है, ट्रिपल एस से ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। अगर ट्रिपल एस से ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो सारे एंगल्स भी सेम होंगे, अभी हमने एक बताया। अच्छा एंगल बता सकते हो, सी एंगल की वैल्यू क्या होगी, 40, तो सी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, पी भी 40 आएगा। ऐसे एंगल भी पूछ सकते हैं, एक शायद क्वेश्चन दिया भी हुआ है, एंगल निकालना। अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ जी, सारे एंगल्स भी फाइंड करने आ सकते हैं। ए 80 है तो आर भी 80 होगा, ये 60 है बी, क्यू भी 60 होगा, सी 40 है, पी भी 40 होगा, ठीक है, एंगल ही निकालना है। तो ये आपने सब कुछ करके, साइड भी पूछ सकता है, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, रेशियो क्या है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कौन सा लग रहा है, ट्रायंगल का नेम पूछ सकता है, बस इस तरह से थोड़ा ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल नंबर 6। कल मैंने आपको बताया था कि दो साइड्स की रेशियो जब दी होती है तो उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां से एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, हो सकता है ये ऐसे दिया हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसे, ऐसे भी दिया हो सकता है रिजल्ट कि कौन सा ट्रू है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे भी दिया हो सकता है, रेशो लिख लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना कौन सा रिजल्ट है। ये मैंने पहले दो का लिखा है, थर्ड साइड एक और थी उसको भी आ सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, पहले और थर्ड को भी आ सकता है मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो रेशो आती होगी तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो आप कर लोगे। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, एग्जाम्पल नंबर 6, अभी हमने पैरलर वाला क्वेश्चन किया था, सेम वैसा ही है, बस यहाँ पैरलर नहीं है, यहाँ पे रेशो दे रखी है। कैसे दे रखी है रेशो, देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दे रखी है, ये
ये बताना है एंगल ए किसके, यहाँ दिया हुआ है शो करो एंगल ए सी के इक्वल है, बी डी के इक्वल है, लेकिन पेपर में ऐसे नहीं आएगा शो, आपको वहां पे आएगा एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल डी किसके इक्वल है, या इससे रेशो कौन सी बन सकती है। कल बताया था आपको ऐसे भी, ओ ए ओ सी को यहाँ ले जा सकते हैं, अगर ओ सी यहाँ शिफ्ट हो गया तो ओ डी न्यूमिनेटर में रहेगा और ओ बी यहाँ जाएगा। एक रेशियो और भी तो बनती है, ओ ए ओ डी इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी, ठीक है, दोनों ट्रू है। अब देखो इधर, अब यहाँ पे ना मेन एक चीज देखने वाली वो है, अब यहाँ पे आपने ये चेक करना है, इधर देखो सुनो, ये एंगल इसके इक्वल है, कौन से एंगल है, मैंने आपको बताया था जब भी एक फिगर बनती है उसमें कुछ ना कुछ कॉमन आता है, यहाँ एंगल कॉमन आ रहा है, ठीक है। और कल एक क्वेश्चन किया था जिसमें इस तरह की फिगर थी, ऐसे फिगर थी ना, उसमें यहाँ पे पैरेलल ऐसे लाइंस थी, तो यहाँ पे ये वाली साइड की रेशो सेम थी, तो जब भी एक फिगर बनेगी कुछ ना कुछ कॉमन होगा और कॉमन वाला पार्ट जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। इस तरह में भी सेम ऐसे है, ओ एंगल ओ के कॉमन है तो वो एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, आपने ये बताना है एंगल सी किसके इक्वल, ए किसके इक्वल है और सी किसके इक्वल है। एंगल एंगल ए एंगल बी के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर डिवाइड हो रहे होते तो ये एंगल सेम हो सकते थे। यहाँ पे यही चीज इंपॉर्टेंट है, ये दोनों साइड आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, रेशियो में होगी तभी तभी जाके एंगल इक्वल होंगे ना, अभी रेशियो नहीं है, ये मल्टीप्लाई है आपस में, इसका मतलब ए और बी नहीं हो सकते, ए और डी भी नहीं हो सकता क्योंकि एक ही ट्रायंगल है, तो ए किसके इक्वल होगा, वो पता है कहां से पता चल रहा है, यहां से, और यहां से ये इसके यहां से नहीं ले सकते क्योंकि एक ही ट्रायंगल के हैं, और सिमिलैरिटी जो है वो दो अलग ट्रायंगल पे लगती है, एक पे थोड़ी लगती है, तो ये दोनों तो एक ही का पार्ट है, तो ये वाला रिजल्ट अभी नहीं वेरीफाई हो रहा है यहां पर। वैसे ये ट्रू है, रेशो तो आ ही सकती है जैसे मर्जी लिख लो, लेकिन इस केस में नहीं हो रही है क्योंकि ये दोनों एंगल एक ही ट्रायंगल के अंदर फॉर्म हो रहे हैं, और सिमिलैरिटी के लिए एटलीस्ट टू ट्रायंगल्स तो चाहिए चाहिए, तो इसलिए ये वाला रिजल्ट नहीं वेरीफाई हो रहा, ये हो रहा है। तो यहाँ पे ए के कॉरेस्पॉन्डिंग सी आएगा, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग डी आएगा, और ओ के कॉरेस्पॉन्डिंग ओ तो ऑलरेडी पता है आपको वर्टिकली ऑपोजिट आएगा, क्लियर है, ठीक है। अच्छा क्राइटेरिया का नेम बता सकते हो, ट्रायंगल सिमिलर है किससे, एसएएस, ये रेशियो और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दो साइड और एक एंगल, ऐसे ऐसे ट्रायंगल सिमिलर है। अब आप यहाँ पे नहीं पूछा हुआ आपसे, लेकिन आपसे पूछ सकते हैं, ट्रायंगल सिमिलर है बाय एसएएस, ट्रायंगल के नेम बता सकते हो, दीक्षा बोलो आप ट्रायंगल का नेम बोलो, एओ एओडी एंड सीओबी, हाँ जी, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग सी है ना, तो एओडी के साथ सीओबी आएगा, ठीक है। ट्रायंगल के नेम भी पूछ सकते हैं, एंगल एक और एंगल दिया नहीं, वो कहां से यूज करें, ए की तो है एंगल, कम से कम दो चाहिए ए ए के लिए, दूसरा एंगल कहां है, कहां प्रूव की है, रेशियो दे रखी है ना, रेशियो दे रखी है, एंगल तो मैंने ये बताया ए सी के इक्वल है, बाद में की है, लेकिन जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें से एस सी एस बन रहा है, मतलब अपने आप नहीं बना सकते। एक और बात, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनकी सारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और सारी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम आते हैं, इक्वल होते हैं, यहाँ पर भी सेम रिजल्ट अप्लाई होता है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो सारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम आएगी। देखो इधर, इस साइड के साथ ये साइड आएगी, इस वाली साइड के साथ ये आएगी, और ये वाली साइड के साथ ये साइड आएगी, आएगी ना, नहीं दे रखा ना थर्ड, मतलब बताने का मतलब ये है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो सारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो सेम होती है और सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। कब होते हैं, जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं उसके बाद, ठीक है, पहले नहीं ले सकते। अब यहाँ पर ए सी के इक्वल हो गया, बी डी के इक्वल हो गया, ये एंगल इक्वल हो गया,
तो मतलब कहने का मतलब ये है इसकी रेशियो आप इस साइड के साथ भी ले सकते हो सकता है रिजल्ट में ये गिवन हो, ठीक है, और हो सकता है सारे ट्रू गिवन हो, उनमें से भी चेक करना पड़ सकता है आपको, या एक फॉल्स भी हो सकता है, मैच करने वाला भी हो सकता है, हो सकता है एक ही ट्रायंगल के बहुत सारे रिजल्ट लिखे हो, आपसे पूछे कि ये सिमिलैरिटी अगर होती है तो इसमें से कौन सा ट्रू होगा, मैच करो, मैच द कॉलम, ऐसे ट्रायंगल के नेम चेंज करके भी हो सकता है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो इधर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में दो चीजें हैं, एक है लैम्प पोस्ट और एक है गर्ल। यहां देखो इधर अब फिर से एक फिगर बन रही है, और जब एक फिगर बनती है तो कुछ ना कुछ कॉमन होता है। क्या प्रॉब्लम है आपको? अरे सीधे बैठे हुआ आंसू आपको क्या हुआ? इधर और पे था दो के बैठो, आप इस साइड हो, आप उसके इस साइड पे आ जाओ सामने, श्यांक आप इस तरफ चले जाओ और आप इधर हो जाओ, आप सेंटर में हो जाओ, जाए दिख रहा है आप पीछे इधर आपको, इधर नहीं तो उस साइड, उसको पीछे नहीं तो उस साइड पे चले जाओ। देखो इधर एक लैम्प पोस्ट दे रखा है, यहाँ पे एक लैम्प पोस्ट गिवन है, यहाँ पे एक गर्ल थी जो अब यहां से मूव करके यहाँ आ गई है, उसकी पोजीशन ये है, हाइट वगैरह सब गिवन है, वो भी लिखते हैं ध्यान से, पहले सुन लो। ये जो लैम्प पोस्ट है इसकी यहाँ शेडो बनेगी, तो ये इसकी पूरी शेडो है, यहाँ तक ग्राउंड पे ये इसकी शेडो है, ठीक है, ये गर्ल है, ये गर्ल की शेडो है, यहाँ तक ये पूरी हो गई लैम्प पोस्ट की शेडो, और ये गर्ल है, ये गर्ल की शेडो, ठीक है। ये जो गर्ल है ना, ये यहां से लेके यहां तक जब आई है 4 सेकंड के बाद, ये यहां से इतना इसने डिस्टेंस कवर कर लिया, ये दिया हुआ क्वेश्चन में, इसकी स्पीड दे रखी है 4 मीटर पर, नहीं 1.2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, मतलब 1 सेकंड में 1.2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, तो बताओ 4 सेकंड में वो यहां से लेकर उस कितना डिस्टेंस मूव करके वो यहां आई है, ये बताना है मतलब आपको, ठीक है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट सुन लो, ए गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, ये 90 सेंटीमीटर गिवन है, लैम्प पोस्ट जो है वो 3.6 मीटर है, ये सेंटीमीटर में मीटर में है, इसकी स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में इतना मूव कर रही है, तो 4 सेकंड में कितना मूव करेगी, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 4.8, ये आ गया 4 सेकंड में इतना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया, मतलब ये आपको 4.8 ये वो मूव करके यहाँ आ चुकी है गर्ल इस टाइम पे, ठीक है। आपने फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकंड, आपने शेडो ये जो उसकी ये शेडो जो गर्ल की बन रही है ये निकालना, ठीक है, इसको ज्वाइन कर देंगे, ये ट्रायंगल बन गया। अब सबसे पहली बात, आपने यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ऐसे एक्स्ट्रा भी है काफी सारे क्वेश्चन, दो ट्रायंगल की रेशियो लेनी है, क्योंकि साइड्स गिवन है तो रेशियो लोगे ऑब्वियसली, लेकिन रेशियो कब लेते हैं, जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, अब ट्रायंगल को करना है सिमिलर, ठीक है, सिमिलैरिटी के बिना रेशियो नहीं ले सकते, अगर रेशियोज इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे, एंगल इक्वल है तो साइड्स की रेशियो सेम होगी, अब यहाँ साइड्स की रेशियो लेनी है, तो साइड की रेशियो के लिए आपको एंगल प्रूव करने पड़ेंगे पहले। एक और अब यहाँ देखो, ये गर्ल यहाँ पे परपेंडिकुलर ग्राउंड के साथ स्टैंडिंग है, ऐसी लैम्प पोस्ट है, ये 90-90 हो गया, ये एंगल कॉमन छोटे वाले ट्रायंगल में भी और बड़े वाले ट्रायंगल में, एक एंगल कॉमन हो गया, ये दोनों एंगल 90-90 हो गए, ए ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, क्लियर है। अगर ट्रायंगल्स याद रखना, साइड्स लेनी है तो एंगल प्रूफ करने पड़ेंगे पहले, एंगल लेके आने तो साइड्स के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है। हर एक्सरसाइज का डिफरेंट कंसेप्ट है, जहां सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगा रहे हो वहां पे ऐसे चलना है, जहां पे साइड पैरेलल है वहां बीपीटी लगनी है, अभी आगे और जाएंगे, आगे और कंसेप्ट आ रहे हैं इसके बाद, ठीक है, और भी है, एक एरिया वाली रेशियो है वो अलग है, तो ये 4-5 कंसेप्ट है, जहां पे जो कंसेप्ट होगा वही वाली चीज अप्लाई करनी है, कुछ और अप्लाई नहीं करना, और एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा कंसेप्ट भी लग सकते हैं,
हो सकता है दो तीन चीजें दे रखी हो। अब यहाँ पर ए ए सिमिलैरिटी से ट्रायंगल सिमिलर हो गए, अब रेशियो लेंगे। देखो जब ये वाली साइड तो गिवन नहीं है तो ये तो लेंगे ही नहीं क्योंकि तो इसमें कुछ गिवन नहीं है। छोटे वाले ट्रायंगल का ये परपेंडिकुलर बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हो गया एक्स प्लस 4.8। क्लियर है? छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट ले लो या परपेंडिकुलर आपकी मर्जी है, ये आ गया। बड़े वाले ट्रायंगल का ये बेस पूरा ले लिया, ये गिवन है बीच वाली लाइन और ये गिवन है। इसकी रेशियो सेम होगी, यूनिट सेम करनी पड़ेगी। इसको चेंज कर लो, क्वेश्चन सारा मीटर में चल रहा है, इसको चेंज कर लो। 0.9 हो गया छोटे वाले ट्रायंगल में 0.9 और बड़े वाले ट्रायंगल का 3 पॉइंट। सॉल्व करना है क्रॉस में, ये सेम कौन से क्वेश्चन जैसा है हमने किया। ये एक क्वेश्चन हमने किया था ऐसे टाइप की फाइंड करने वाले एक्सरसाइज सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे ही थे, रेशियोज लेके क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे। फर्स्ट क्वेश्चन भी सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, बस एक स्टेटमेंट सम दे दिया इसमें और कुछ नहीं। ठीक है, स्पीड डिस्टेंस का कंसेप्ट दे दिया, बाकी सारा सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स आ गया। आपको एक बात समझ आ गई, जब भी रेशियोज फाइंड करनी है पहले एंगल के थ्रू ट्रायंगल सिमिलर करने, और अगर रिवर्स हो तो रिवर्स चलना है।